हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे इज़ योर ट्वेंटी फ़र्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास ट्वेल्थ टुडे वी आर डिस्कसिंग द लोअर लेवल मैनेजमेंट जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल तो उसमें से जो टॉप लेवल मैंने आपको बता दिया है मिडिल लेवल भी मैंने आपको बता दिया है आज का जो आपका टॉपिक है लोअर लेवल मैनेजमेंट का आपका, लेवल आपका ये टॉपिक है First of all, we are discussing the meaning of lower level management. So, first of all, I am reading you the meaning of lower level management. Then, after, I will explain what is the lower level management. So, lower level management, this is the last level of the organization hierarchy it represents the operational level and act as a link between the management and the operational labor. they mainly perform the vital function of supervision and inspection of all activities in order to control them. they are responsible for maintaining better working conditions at workplace as well as for arrangement of the required resources. इक्वपमेंट एंड बेटर प्लान फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कमैन लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है दिस इज़ द लास्ट लेवल ऑफ लास्ट लेवल ऑफ द ऑर्गनाइजेशन आर आई की जैसा कि इसमें सबसे पहले लाइन देखिए कि ये आर आई की का सबसे लास्ट लेवल होता है ये इसका डायग्राम है टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल सो so ये क्या है इसका एक लास्ट लेवल होता है एक मैनेजरियल लेवल का इसके अलावा इट रिप्रजेंट दी ऑपरेशनल लेवल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेबर ये जो लोअर लेवल होता है तो लोअर लेवल के नीचे कुछ लेबर काम करती है तो ये एक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में मिडिल के बीच में, में टॉप के बीच में और लेबर के बीच में तो ये जो मैनेजर यहाँ पे जो लगे होते हैं ये टॉप लेवल मिडिल लेवल और इन सब के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करते हैं दे मेनली परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन ऑफ द सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैम इनका काम क्या होता है कि जो लोग नीचे यहाँ पे लेबर जो काम कर रही है तो उनको सुपरवाइज करना सुपरवाइज करने का मतलब होता है उनका ध्यान रखना और ध्यान रखने के साथ साथ इनका ये भी काम होता है कि उनको कंट्रोल करना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं या वेस्ट कम कर रहे हैं वो पूरे टाइम काम कर रहे हैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे पहले इनका काम क्या होता है इनका फंक्शन क्या होता है उनको सुपरवाइज़ करना एंड इंस्पेक्ट करने का उनका काम होता है इसके अलावा देखो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बेटर वर्किंग कंडीशन एट वर्क प्लेस एज वेल एज द वर्क फॉर अरेंजमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्स इक्विपमेंट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग बेटर वर्किंग कंडीशन इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जहाँ पे भी काम हो रहा होता है जहाँ पे भी काम हो रहा है तो वहाँ पे बेटर वर्किंग कंडीशन एक अच्छी वर्किंग कंडीशन बना के चलें एक अच्छा रिलेशन बना के चले, अच्छा चले वहाँ पे बिल्कुल शांति हो और अच्छी तरीके से वहाँ पे काम हो मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के चलने का इसके अलावा दे रिक्वायर्ड रिसोर्स अरेंजमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्स इक्विपमेंट एंड अदर प्लान फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कमैन इसके अलावा क्या है इसमें अपन ये कह सकते हैं कि इन लोगों का काम ये भी होता है कि एक अच्छा माहौल बना के चलें वर्किंग कंडीशन बना के चलें जहाँ पे काम चल रहा है और जो भी उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज से अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस है वो निकालने का काम करें मतलब अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस बनाने का काम करें सो so, ये तो हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट होता क्या है तो दिस इज़ द लास्ट लेवल ऑफ ऑपरेशनल हायर ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेइजेशन इन दर्गेनाइजेशन it represents a link as a lower level management as well as upper level management the work of lower level management is to supervise and inspection of the all activity done in the organization दिस इज़ ऑल्सो रेस्पॉसिबल फॉर द गुड वर्किंग कंडीशन एंड प्रोवाइड द रिसोर्स इक्विपमेंट टू दर्कर्स सो दिस इज़ ए कंक्लूजन अब इसमें आते कौन कौन से लोग हैं जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से लोग आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में फ़ोरमैन जैसा कि इसमें फोरमैन आता है लाइन बॉस आता है शिफ्ट बॉस आता है सेक्शन चीफ़ आता है और हेड पर्सन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फोरमैन है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आएगा लाइन बॉस आएगा शिफ्ट बॉस आएगा सेलेक्शन चीफ़ आएगा एंड हेड पर्सन तो इन लोगों को अपन क्या कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट हरैकी के नाम से जानते हैं इन पाँच पर्सनस को या एक दो अकॉर्डिंग टू कंपनी भी हो सकते हैं फाइनली दी फंक्शनल लोअर लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं अब देखो क्या काम है इनका कि टू मेंटेन टू मोटिवेट लेबर कि यहाँ पे जो इसके नीचे जो लेबर काम कर रही है ये जो लेबर है तो यहाँ पे इनका इनका काम क्या होगा कि ये लोग लेबर को इनको इंस्पेक्ट करने का इनको सुपरवाइज़ करने का तो ये लोग इनको मोटिवेट करने का इनका तो फंक्शन क्या है कि वो इनको मोटिवेट करेगी कि हाँ तुम लोग अच्छे से अच्छा काम करो और जब अच्छे से अच्छा काम होगा तो अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी तो ये इसका पहला फंक्शन है सेकेंड है आपका टू इंश्योर वर्किंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इनका काम ये भी है कि जो भी लोअर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी जो काम कर रहे हैं उनका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए उनकी वर्किंग सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा काम करें और उनकी वर्किंग सेफ्टी हो और वर्किंग सिक्योरिटी हो मतलब उनको दुर्घटना वगैरह या एक्सीडेंट्स वगैरह की कोई भी पॉसिबलिटी नहीं होनी चाहिए थर्ड थिंग टू प्रोवाइड वेल वर्किंग कंडीशन इसके अलावा लोअर लेवल का फंक्शन क्या है टू प्रोवाइड वेल वर्किंग कंडीशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी वर्किंग कंडीशन की एक हेल्दी एनवायरनमेंट कि लोग एक दूसरे से बात करें स्ट्रेस फ्री होके काम करें अच्छा रिलेशन हो बिल्कुल मेंटल फ्री होकर मतलब मतलब बिल्कुल मेंटल के अंदर स्ट्रेस नहीं होने के अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से काम करें तो ये एक टू प्रोवाइड अ वेल वर्किंग कंडीशन फोर्थ नंबर का पॉइंट टू अपॉइंट लेबर इनका ये भी काम होता है कि जो लोअर लेवल होती है उसमें इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कई बार अनपढ़ लोगों को भी भर्ती की जाती है तो टू अपॉइंट लेबर इनका काम क्या होता है कि जैसे अगर कोई क्वालिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे ये लेबर को अपॉइंट लेबर को भर्ती करने का काम करते हैं टू अपॉइंट लेबर फॉर वर्क फिफ्थ नंबर का पॉइंट है टू मैंटेन बेटर वर्क रिलेशन इसके अलावा इन लोगों का काम यह भी होता है कि बेटर वर्क रिलेशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोअर लेवल के अंदर जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनके ऊपर जो ये सुपरवाइज़र हैं फोरमैन हैं शिफ्ट बॉस है सिलेक्शन चीफ है, है, है तो इनका काम क्या होगा कि मेंटेन बेटर लेबर रिलेशन कि एक लेबर के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर लेबर के साथ एक ऐसा बिहेवियर कि लेबर इनके साथ खुश हो काम कर सके तो ऐसा रिलेशन मेंटेन करते हैं सिक्स नंबर का इसका आपका फंक्शन है टू कम्युनिकेट प्लान्स कि वेन एवर अ टॉप मैनेजमेंट रिलीज द लोअर लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट दी प्लान टू लेबर कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है अपर लेवल मैनेजमेंट अगर कोई प्लान भेजता है तो उन प्लान्स को उन इंस्ट्रक्शन को उन स्ट्रेटजीज़ को उन नॉर्म्स को ये क्या करेगा बताने का काम करेगा सेवन्थ नंबर का इसका फंक्शन है टू एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द मैनेजर मैनेजमेंट कि इसका लास्ट का जो फंक्शन है कि टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट ये एम्प्लॉयी हो गए ये टॉप मैनेजमेंट हो गया तो ये इनको क्या करेगा कि इनको ये किसी भी तरीके की इनकी कोई प्रॉब्लम है या कोई कंप्लेंट है या कोई सजेशन है तो ये टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम करेगा जैसे लोअर लेवल डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट तक नहीं जाता है तो वो पहले लेबर मैनेजर को लोअर लेवल मैनेजर को बोलेगा फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जो पास जाएगी फिर वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचेगी तो फाइनली क्या है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है इनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने का काम करता है